अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी नई दोस्त आफरीन हूँ। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। काफ़ी आप रेसिपीज खा चुके होंगे, ये तो मेरे अंदाज से बनाना शुरू करते हैं हैदराबादी बिरयानी। चलिए शुरू करते हैं। ये है 2 किलो चिकन और ये है अदरक लहसुन 3 चमचे, नमक 1 चमचा, हल्दी आधा चमचा और लाल मिर्च पाउडर 2 चमचे। और गरम मसाला में है हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, शाजीरा एंड तेजपत्ता और तेल। चलिए शुरू करते हैं मिक्स करना। चलिए हम शुरू करते हैं मैरिनेट करना चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हल्दी गया, मिर्ची गया, अदरक लहसुन गया और नमक गया। चलिए आपकी मर्जी, या हाथ से मिक्स करें या चमचे से मिक्स करें। मैं हाथ से ही मिक्स कर देती हूँ। और अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मैरिनेट करके रखूँ। आपकी मर्जी है कि आप कितना टाइम तक इसको मैरिनेट कर सकते हो, और या फिर एटलीस्ट 2 घंटे तो आप रखो मैरिनेट करके इसको। अभी तो वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं बना दूंगी अभी। जितना आप मैरिनेट करेंगे तो उतना मसाला उस चिकन को लगेगा। ये देखिए, मैंने अच्छा मेरे हाथ से चिकन को मैरिनेट कर दिया। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना चाहिए तेल। ये मैं 2 केजीज के लिए, 2 किलो चिकन के लिए ले रही हूँ मैं तेल। अब मैं यहाँ पर खड़े मसाले डाल रही हूँ। इसमें लौंग है, दालचीनी है, शाजीरा है, तेजपत्ता है। तो चले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चिकन को एक एक करके डालेंगे। ये मैंने सारा चिकन इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ऊपर नीचे करूंगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, मैंने तेज आंच पर चिकन का पूरा पानी सुखा दिया है। अब उसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये सारा चिकन का ऐसे ही कलर चेंज करना है हमें। अभी आप देख सकते हैं पूरा कलर चेंज हो चुका है चिकन का, और हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब आप चाहे तो थोड़ा पानी डाल के पका सकते हो, पर मैं पानी डाल कर पकाऊंगी। ये देख सकते हैं, मैं जो चिकन का बॉल था उसी में मैं पानी डाली ताकि वो जो मसाले जो लगे हुए थे बॉल में उसी का मैं पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं ली मैंने, थोड़े ही ली अपने हिसाब से, आप देख सकते हो इधर। अब थोड़ा मैं मीडियम आंच पर ये चिकन को पका लूँगी। वैसे तो चिकन जल्दी गल जाता है, और ऐसा गलाइए कि ताकि चिकन की हड्डी इस तरह से दिखे, आप समझ रहे हो ना। तो मैं अब इसको कम आंच पर बनाती हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक छोटा एक भगोना रखी हूँ अपने प्याज को फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से तेल डाल लूँगी। आप देख सकते हो मैंने आधे से भी कम डाल रही हूँ मैं।
आधे से कमी डाल रही हूँ। और ये प्याज है 4 डलियां, तो ये प्याज मैं फ्राई कर लेती हूँ। लाइट ब्राउन करना है हमें, थोड़ा थोड़ा कर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। ये देखिए ऑनियन फ्राई हो रहा है, गरम हो चुका है उसका तेल, लाइट ब्राउन जैसा होता है मैं उसे निकाल दूंगी। ये देख सकते हैं मैंने लाइट ब्राउन कर दिया है प्याज, और ये चिकन भी पकने आ चुका है। अभी मैं इसे पेपर में निकाल लूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। अभी ये जो बचा हुआ है ये भी हम डाल देते हैं प्याज फ्राई करने के लिए। ये सारी मैंने डाल दी है। चलिए आप ये देख सकते हैं मेरी चिकन की बोन्स दिख रहे हैं, ये पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो मैंने ले लिया है 1 कप। अब हमें इसमें ऐड करते हैं दही। हम इसे बना रहे हैं इसकी अखनी। अच्छा फेंट कर डालिए दही को, और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ चिकन के साथ। आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि चिकन के पीसेस ना टूटे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता से। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगेगा चिकन जब मैं दही मिक्स कर दी हूँ, तो इस तरह से चिकन दिखेगा। और मैं थोड़ी देर अच्छे तरीके से पका लूँगी चिकन को, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इसी तरह से पकना चाहिए ये चिकन को, जब दही मैं डालूँगी तो इस तरह से ये पक के ऐसे दिखेगा। बस आपके हिसाब से, आपके बिरयानी के हिसाब से आप कितना ग्रेवी रखना चाह रहे हो इस चिकन में आप रख सकते हो। और मेरी जब ग्रेवी रेडी होगी तो मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा ग्रेवी मैं इसकी कम करूँगी, ये इसमें बहुत टिके आ रहा है, लूज़ दिख रहा है अभी। जैसे लूज़ होता है थोड़ा कम होता है इसकी ग्रेवी, फिर मैं आपको फिर बताऊंगी। यहाँ पर मुझे थोड़ा नमक कम लगा, आप अपने हिसाब से चेक करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं कटे हुए हरे मिर्चियाँ इस तरह से डाल रही हूँ। आप तेज नहीं खाते तो ये आप स्किप कर सकते हो। और मैं लास्ट में 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरा चिकन रेडी हो चुका है, और इसमें तेल भी दिख रहा है आपको साइड से। अब मैं गैस को बंद करती हूँ, और मैंने ढक्कन ढाँप दी है और उसको साइड कर दी हूँ मैं। अब खाने का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक बड़े भगोने में 3 माप चावल ली हूँ। ये है ये माप, इस माप से मैंने 3 माप यानी कि 3 बार इस माप से मैंने चावल डाला है। फिर उस पर आधा माप भी और डाला है, यानी कि 3.5 माप मैंने चावल डाला है। और मैं इसे धो के आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पानी डाल के गैस खोलूंगी मैं भी। डालकर मैंने चढ़ा दिया है, गैस भी खोल दी हूँ मैं। अब यहाँ पर आपका ये काम है कि इस पर अब हम गर्म मसाले, साबित गर्म मसाले डालेंगे। तो डालते हैं गरम मसाले। अब मैं गरम मसाले डाल रही हूँ, ये है 2, 1 बड़ा और 1 छोटा दालचीनी, 1 तेजपत्ता और ये स्टार, और ये हरी इलायची कुछ ली मैंने, थोड़े से लौंग,
और एक बड़ी इलायची, ये सब मैंने डाल दी है। अब इसमें जाएगा अब नमक। ये नमक मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। एक गया, ये है दो और ये तीन, और इसे ढककर पकाते हैं हम। नॉर्मली हम कैसे चावल बनाते हैं उसी तरह से बनाना है, बस आटा कच्चा पका रहे हैं, बस उस तरह से बनाना है। मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए मेरा चावल पकने आ रहा है, अभी थोड़ा कच्चा है, अभी पक जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा चावल रेडी हो चुका है, निथारने का वक्त हो चुका है। मैं निथार कर आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा पानी निथार दिया है। ये छन्नी में एक चावल है, अब मैं शुरू करती हूँ उसको लेयर्स बिछाना। अभी मैं थोड़ा सा पहले तेल डालूंगी बेस में चावल से पहले, फिर उसके बाद ये चावल डाल रही हूँ। मैंने इतना चावल डाला है अभी, अभी मैं चिकन के पीसेस डाल रही हूँ एक एक करके। लेग पीसेस कॉर्नर्स पे डाल दें, बड़े पीसेस और छोटे पीसेस बीच में रखें। आप यहां पर देख सकते हैं मैं सारा चिकन एक एक करके सारा डाल दी हूं, और ये है थोड़ी इसकी ग्रेवी जो मैंने फैला कर डालना है चिकन पर, ताकि लगे अखनी है इसमें। ये सारी मैंने डाल दूंगी। यहां पर मैंने चिकन सारा डाल दिया है, अब इसमें मैं नींबू डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने हरा मसाला डाला है, कोथमीर पुदीना अपने हिसाब से मैंने काट लिया है, आपको ज्यादा पसंद तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। मुझे यहाँ पर हरा मसाला ज्यादा डालना अच्छा लगता है तो मैंने ज्यादा डाली। और मैं यहाँ पर आपके सामने जो मैंने फ्राई ऑनियन की थी उसे भी मैंने डाल देना है यहाँ पर, आधी मैं अभी डाल रही हूँ हरा मसाला और प्याज, और आधा ऊपर डालूंगी चावल के बाद। अभी मैं चावल डालूंगी। ये देखें सारा मैंने चावल इसमें डाल दिया है, आहिस्ता आहिस्ता करके डालें। अभी मैं इसे ठीक से बिछा दूंगी चावल को इस तरीके से, और इसमें जाएगा अभी थोड़ा सा एक चम्मच तेल और एक चम्मच तेल, ज्यादा ना डालें क्योंकि इसमें अखनी में भी तेल रहेगा। और यहाँ पर फिर जाएगा, मैंने यहाँ पर कलर का पानी लिया है, आपको पसंद है तो आप कलर डाल सकते हो वरना आप स्किप कर सकते हो उसे। और फिर जाएगा नींबू, टोटल मैंने मिलाकर 2 नींबू लिया है, एक बड़ा और छोटा। अभी यहां पर मैंने नींबू डाल दिया है, अब फ्राई ऑनियन डालूंगी। ये मैंने सारा ऑनियन डाल दिया और इसमें हरा मसाला जाएगा,
आधा हरा मसाला मैंने नीचे डाला है और आधा ऊपर। अब हम तेज आंच पर इसे पहले दम देंगे। ये मैंने अपना गैस खोल दिया है और मैं ढक्कन ढाँप कर तेज आंच पर इसे दम दूंगी जब तक कि स्टीम ना आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हल्की हल्की स्टीम आना शुरू हो गई है। अब जैसे ही कम आंच पर भाप निकलती है फिर मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, सर्व करके बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी दम हो चुकी है बिरयानी, ये इसका लुक है। अब मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपको मैं बताऊंगी इसका कितनी शानदार बनी है बिरयानी। आहिस्ता आहिस्ता निकाले ताकि पीसेस कोई खराब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिख रहा है कलर और बिरयानी का रौनक, ये आप देख सकते हैं। और ये बन चुकी है हैदराबादी बिरयानी। ये मेरे सास की रेसिपी है और आप इसे दही के चटनी के साथ, ये बन चुकी है हैदराबादी बिरयानी और इसके साथ आप दही की चटनी लें और इसे टेस्ट करके बताएं कैसे बना। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दुआ में याद रखना। फिर मैं जल्द से जल्द मिलूंगी आपसे नए रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।